प्रणाम और नमन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। तो मित्रों, कैसा लग रहा है आप लोगों को? कुछ कुछ हो रहा है? तो फिर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए पूरी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ राजीव दीक्षित साहब को मंच पर बुलाएं। एक छोटी सी और एक गंभीर बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब राजीव भाई का व्याख्यान समाप्त होता है और जब प्रश्न उत्तर का दौर चलता रहता है, उस वक्त भावनात्मक जुड़ाव और विषय वस्तु, विषय की गहनता जो है वो पराकाष्ठा पर होती है, बुलंदी पर होती है। और ऐसे में हमारे कुछ मित्र अनायास बेरहमी से उठकर जाने का प्रयास करते हैं, जो बुलंदियों को ठेस पहुंचाती है। तो ये हमारी गुजारिश है कि जब तक ये कार्यक्रम चले, जब तक राजीव भाई नीचे नहीं उतरे, आप लोग जाने की कृपा मत करें। हम लोग एक छात्र हैं, एक बहुत ही गूढ़ और एक गहन विषय को समझने आए हैं। तो छात्रों वाले शिष्टाचार और छात्र का धर्म का निर्वाह हमें करना होगा। और इसी अपेक्षा के साथ मैं मंच राजीव भाई को सुपुर्द करता हूं। परम पूजनीय साध्वी जी सत्य प्रभा जी, परम पूजनीय साध्वी जी तरुण प्रभा जी, उनको मेरा सादर वंदन, कोटि कोटि वंदन। मुझे बहुत आनंद हुआ कि आज उनकी निश्रा में आपसे बात करने का, संवाद करने का समय मिलता है। मैं आपसे कल और कल के अगले एक दिन पहले और उसके एक दिन पहले तीन दिनों से जो बात कर रहा हूं, उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। और आज की बात मैं आपके लिए बहुत महत्व की मानता हूं। अब तक मैंने आपसे अष्टांग हृदयम के जिन सूत्रों पर चर्चा की है, हम लोग हर एक विषय में, आप जानते हैं ना, एक थ्योरी होती है और एक प्रैक्टिकल होता है। तो अब तक आप समझिए कि मैं आपसे थ्योरी की बात कर रहा था और थोड़ी सी बात और करूंगा थ्योरी की जो बची हुई है, फिर उसके बाद आज मैं आपसे कुछ प्रैक्टिकल बात भी करूंगा। अगर मैं एक और भाषा में बात करूं तो आप में से कोई लोग अगर वकालत के पेशे में हो, वकील हो, तो आप जानते हैं कि कोर्ट कोई फैसला सुनाता है, जजमेंट देता है, तो उसका एक ऑपरेटिव पार्ट होता है, फंक्शनल ऑपरेटिव पार्ट, वो अब शुरू होगा आज से, ऐसा आप कह सकते हैं। प्लीज मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दीजिए, साध्वी जी आज हमारे बीच में है, आप इस बात के लिए आज छूट नहीं ले सकते। तो अब तक मैंने आपसे जो कहा है वो सूत्र रूप में, थोड़ा सा सिद्धांतिक बातें लेकिन सरल भाषा में विज्ञान के साथ पेश करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। आज कुछ ऐसी बातें जो दैनिक जीवन में आप प्रयोग करें। इन सूत्रों का प्रयोग तो करना ही है, इसके लिए तो कोई विकल्प नहीं है, लेकिन इन सूत्रों के आधार पर आगे भी बहुत कुछ है जो बागभट्ट जी ने कहा है। साध्वी जी चूंकि यहां पर हैं तो उनकी जानकारी के लिए एक छोटी सी बात जो आपके लिए पुरानी लगेगी, शायद उनके लिए नहीं होगी, और मैं उनको इसलिए भी ये कहना चाहता हूं कि वो अपने व्याख्यानों में हर बार ये बातें सैकड़ों लोगों तक कह सकती हैं। साध्वी जी, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं 3,500 साल पहले भारत में एक महान व्यक्ति हुए, उनका नाम था महर्षि बागभट्ट। उनकी लिखी हुई दो शास्त्रीय पुस्तकों पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक उनकी पुस्तक है अष्टांग हृदयम, दूसरी पुस्तक है उनकी अष्टांग संग्रहम। ये दोनों पुस्तकों में महर्षि बागभट्ट ने 7,000 सूत्र लिखे हैं, संस्कृत में लिखे हैं। ये सूत्र हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। हमारे अपने जीवन में हमें स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, तो इन स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सूत्र बागभट्ट जी ने लिखे हैं। बागभट्ट जी महर्षि चरक के शिष्य थे। चरक ऋषि का नाम हम सब जानते हैं, चरक ऋषि के वो शिष्य थे और सबसे बेहतरीन शिष्यों में उनकी गिनती होती है, सबसे इंटेलिजेंट माने जाते हैं। चरक ऋषि ने जितना शोध कार्य किया बागभट्ट जी ने उससे भी ज्यादा किया। 135 वर्ष उनकी आयु रही। 135 वर्ष में लगभग आप समझ लीजिए 18 वर्ष छोड़कर, 18 वर्ष वो ये कहते हैं कि मैं प्राथमिक अध्ययन करता रहा, तो 18 वर्ष छोड़कर बाकी सारे वर्ष उन्होंने बहुत गहन अध्ययन में लगाए।
और उन्होंने कोई एक सूत्र लिखा तो उस पर कम से कम 50 से ज्यादा उन्होंने ऑब्जर्वेशंस किए। आज का जो विज्ञान है जिसको हम आधुनिक विज्ञान कहते हैं ये पूरा ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। ऑब्जर्वेशन को हिंदी में क्या कहते हैं मैम? हाँ, निरीक्षण, निरीक्षण, परीक्षण या निरीक्षण, हाँ, प्रयोग या परीक्षण या निरीक्षण। तो अगर जैसे उन्होंने कोई सूत्र कह दिया तो उसका 50 बार परीक्षण किया, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग लोगों पर किया, और जब उन्होंने देखा कि परिणाम वही है तब सूत्र लिखा। अब हम कल्पना करें कि 7000 सूत्र लिखे हों और एक एक सूत्र पर 50-50 परीक्षण उन्होंने किए हों तो पूरी जिंदगी उनकी इसी में निकल गई। महर्षि बागवत बाल ब्रह्मचारी थे, अंतिम समय तक वो ब्रह्मचर्य का ही पालन करते रहे, गृहस्थ आश्रम उन्होंने नहीं जिया, लेकिन वो मानते थे कि गृहस्थ आश्रम बहुत महत्व का है। तो ऐसे महर्षि बागवत के सूत्रों को मैं पिछले 6 साल से पढ़ता रहा, और भारत की आज की जो परिस्थिति है मैं मानता था और आज भी मानता हूं कि उसमें ये बहुत अनुकूल है। आज हमारे भारत की परिस्थिति ऐसी है, 112 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, इनमें से करीब 75 से 80 करोड़ लोग बीमार हैं। सरकार कहती है कि सिर्फ 30 करोड़ लोग हैं स्वस्थ, बाकी सब हैं बीमार। अलग अलग बीमारियां हैं, वात की बीमारियां हैं, पित्त की हैं, कफ की हैं, और इन बीमारियों का इलाज करने के लिए भारत में कुल मिलाकर 23 लाख डॉक्टर हैं रजिस्टर्ड, जो MBBS, BAMS और BHMS तीनों पद्धति के हैं। 23 लाख रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं। अगर अनरजिस्टर्ड डॉक्टर भी इसमें मिला दें तो सरकार कहती है लगभग अनरजिस्टर्ड डॉक्टर भी इतने ही हैं, 25 लाख के आसपास। तो कुल मिलाकर हम 50 लाख डॉक्टर मान लें अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड, तो भी मरीजों की संख्या 70 से 80 करोड़ है। एक डॉक्टर एक दिन में अच्छे से अच्छे काम करे तो 30 से ज्यादा मरीज नहीं देख पाता। तो मैंने एक दिन हिसाब लगाया कि अगर 30 व्यक्ति एक डॉक्टर के सुपुर्द कर दिए जाएं तो 50 लाख डॉक्टर हैं, मुश्किल से 1.5 करोड़ लोगों का इलाज हो सकता है, और रोगी 75 से 80 करोड़ हैं। तो बागवत जी एक सूत्र लिखकर चले गए, वो ये कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी चिकित्सा स्वयं कर सकता है, और इस बात को उन्होंने कहा कि 85% चिकित्सा बहुत आसान है जो कोई भी व्यक्ति स्वयं कर सकता है, 15% चिकित्सा थोड़ी मुश्किल है जिसमें आपको विशेषज्ञ की मदद की जरूरत पड़ती है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये 85% चिकित्सा जो आसान है वो लोगों तक पहुंचाई जाए, इस दृष्टि से ये व्याख्यान श्रृंखला आयोजित की है। यहां पर श्रीमती प्रभा देवी जयप्रकाश जी के नाम से चलने वाला एक ट्रस्ट है, उसके मुख्य व्यक्ति मेरे साथ हैं श्री शुभकांजी दास और उनके पुत्र हैं प्रदीप भाई और उनके सब सहयोगी नरेंजन भाई और मेघाणी जी, इन सब ने मिलकर ये आयोजन किया, और मेरे जीवन का ये पहला व्याख्यान है जो मैं इस विषय पर दे रहा हूं। इसके पहले इस विषय पर मैंने कहीं बात ही नहीं की, क्योंकि अभी तक तो मैं अध्ययन ही करता रहा, और ये बात करने का ऐसा हो गया कि एक दिन मैं शोभाकांत जी के घर खाना खा रहा था, प्रदीप भाई के साथ बात हो गई कि क्यों ना इस विषय पे बात किया जाए, तो ऐसे ये तय हो गया अनायास, लेकिन मुझे लगा कि ये शायद सार्थक हुआ। कई लोगों ने मुझे कहा, और खासकर बाबूजी माने शोभाकांत जी ने मुझे कहा कि तुम पुराने भाषण देना बंद कर दो, वो जो पेप्सी कोका कोला वाले और विदेशी स्वदेशी वाले या WTO वाले ये ही कहो, शायद बहुत लोग ऐसा कहते हैं, अगर ऐसा सबका मन बना तो शायद इस विषय में मैं आगे भी और ज्यादा गहराई से रिसर्च करके बात करता रहूंगा। तो अब तक हमने 3 दिन की व्याख्यानमाला पूरी की है, आज 4th दिन शुरू हो रहा है। तो कल तक के जितने सूत्र थे वो एक बार मैं आपको दोहरा दूं ताकि आपको याद हो जाए। कल का सबसे पहला महत्व का सूत्र मैंने बोला था कि आप खाना खाने के बाद पानी ना पिए, पानी हमेशा 1.5 घंटे के बाद पिए, कारण मैंने उसका बहुत विस्तार से बताया था, उसमें दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। वो पहला सूत्र था कल का। दूसरा सूत्र था कि पानी जब भी पिए तो घूट घूट भर के पिए, एक एक सिप लेकर पानी पिए, जैसे आप गर्म दूध पीते हैं या गर्म चाय या गर्म कॉफी पीते हैं, और उसका कारण भी मैंने आपको समझा दिया था। तीसरा सूत्र है कि आप जब भी पानी पिए तो ठंडा ना पिए, कभी भी ठंडा पानी ना पिए, हमेशा गुनगुना पानी, हमेशा गुनगुना पानी पिए। वैसे जैन दर्शन में इसी को पक्के पानी की कहा जाता है, इसको बात वो बिल्कुल वैज्ञानिक है, बागवत जी भी उसका
समर्थन करते हैं। हमेशा गुनगुना पानी पीने की कोशिश करें। आप में से कई लोगों ने सवाल पूछे थे कि गर्मियों में भी क्या गुनगुना पानी पिए। भागवत जी की माने तो गर्मियों में भी गुनगुना पी सकते हैं, लेकिन कोई बहुत तकलीफ आए तो मिट्टी के बर्तन का पानी आप गर्मी के दिनों में 3-4 महीने पी सकते हैं। फिर चौथा सूत्र ये था कल का कि पानी कभी भी पिए तो सवेरे उठते ही सबसे पहले जरूर पिए, माने सुबह की शुरुआत पानी से करें। और उसमें मैंने बताया था कि मुंह का कुल्ला किए बिना वो उठते ही पानी आपको पीना है, क्योंकि रात को जब आप सोते हैं तो जो कुछ भी लार मुंह में बनी है ये बहुत ही कीमती है, इसका औषधीय गुण बहुत है। और जैन दर्शन में इसको अहिंसा के साथ जोड़ा हुआ है, और वो मैंने करके भी देखा है कि सुबह की लार गलती से भी आप किसी चींटी या चींटा या मक्खी पे थूक दो वो तुरंत मर जाएगा। सुबह की लार अगर आपने गलती से चींटी चींटा या मक्खी पे थूक दिया वो तुरंत मर जाता है, क्योंकि उसका औषधीय गुण बहुत प्रबल होता है सुबह सुबह। तो जैन दर्शन ने इसको अहिंसा से जोड़ा, भागवत जी ने इसको शरीर स्वास्थ्य से जोड़ा। तो ये 4 सूत्र मैंने कल आपको बताए थे, ये बहुत फंक्शनल हैं, ऑपरेटिव। इसके पहले 5 सूत्र पिछले 2 दिनों में मैंने बात की थी। आने वाले शायद एक दिन मैं सब सूत्रों को फिर से रिपीट कर दूंगा ताकि आपको भूलने ना पाए, आसानी से याद हो। अभी मैं आगे बढ़ता हूं। कल के सूत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं एक सूत्र आपके सामने रख कहता हूं। भागवत जी कहते हैं बहुत गहरी बात, वो ये कहते हैं, ये साध्वी जी हैं इसलिए मुझे आज कहना बहुत उपयोगी भी लग रहा है इस सूत्र का। मैं सोचा था कि कल कहूंगा लेकिन आज कह रहा हूं। भागवत जी कहते हैं कि जब आप भोजन करें कभी भी तो भोजन का समय थोड़ा निश्चित करें, भोजन का समय निश्चित करें। ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी खा लिया। हमारा ये जो शरीर है ये कभी भी कुछ भी खा लेने के लिए नहीं है। इस शरीर में जठर है, मैंने आपसे कहा उसमें अग्नि प्रदीप्त होती है। तो भागवती जी कहते हैं कि जब जठर में अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र हो उसी समय भोजन करें तो आपका खाया हुआ एक एक अन्न का हिस्सा पाचन में जाएगा और रस में बदलेगा, और रस में से मांस मज्जा रक्त वीर मल मूत्र मेद और आपकी अस्थियां इनका विकास होगा। तो कभी भी कुछ ना खाएं, ये पद्धति भारत की नहीं है, ये यूरोप की है। यूरोप में डॉक्टर्स हैं वो हमेशा कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाते रहो कभी भी खाते रहो। हमारे यहां ये नहीं है, थोड़ा थोड़ा खाते रहो कभी भी खाते रहो। आपको दोनों का अंतर समझाना चाहता हूं। भागवत जी कहते हैं कि खाना खाने का समय निर्धारित करें, और समय निर्धारित होगा उससे जब आपके पेट में अग्नि की प्रबलता हो, जठर अग्नि की प्रबलता हो। भागवत जी ने इस पर बहुत रिसर्च किया और वो कहते हैं कि 1.5-2 साल के रिसर्च के बाद उनको पता चला कि जठर अग्नि कौन से समय सबसे ज्यादा तीव्र होती है। जठर अग्नि कौन से समय सबसे ज्यादा तीव्र होती है, तो वो कहते हैं कि जब सूर्य का उदय होता है। सूर्य का जब उदय होता है तो सूर्य के उदय होने से लगभग 2.5 घंटे तक जठर अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र होती है। सूर्य के उदय होने से, सूर्य का उदय होना आप चेन्नई के हिसाब से सोच लीजिए, मान लीजिए 7 बजे, तो 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक जठर अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र होगी। हो सकता है यही सूत्र अरुणाचल प्रदेश में मैं बात करूं तो वो 4 बजे से 6:30 का समय आ जाएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 4 बजे निकल आता है। अगर मैं सिक्किम में बात करूंगा तो और 15 मिनट पहले हो जाएगा, और यही बात अगर मैं गुजरात में जाकर करूंगा तो आपसे समय थोड़ा भिन्न हो जाए। तो सूर्य के साथ इसको ध्यान रखें। तो सूर्य का उदय जैसे ही हुआ उससे अगले 2.5 घंटे तक जठर अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र होती है। तो भागवत जी कहते हैं कि इस समय सबसे ज्यादा भोजन करें, इस समय सबसे ज्यादा भोजन करें। वो तो एक जगह यहां तक कह देते हैं कि आप अगर संभव हो तो 9:30 बजे के अंदर ही लंच करें, 9:30 बजे के अंदर ही लंच करें, माने ब्रेकफास्ट गायब, नाश्ता छोड़ें, सीधे ही भोजन करें। यहां तक वो कहते हैं। वो ये कहते हैं कि सुबह 9:30 बजे तक अगर आपने भरपेट भोजन किया है तो इसमें से जो कुछ भी बनेगा
वो एक एक बूंद, एक एक अन्न का टुकड़ा, एक एक दाने का टुकड़ा आपके शरीर के लिए उपयोगी होगा। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि सुबह 7 बजे से, आपके हिसाब से मैं कह रहा हूं, 7 बजे से 9:30 जठर अग्नि बहुत तीव्र होती है। बागवत जी ने एक और रिसर्च किया था कि शरीर के जो अलग अलग अंग हैं, जैसे हृदय है, हृदय, और जैसे जठर है, जठर, जैसे किडनी है, जैसे लीवर है, इनके काम करने का अलग अलग समय है। जठर अग्नि के काम करने का सबसे अच्छा समय है 7 से 9:30, सूर्योदय से 2.5 घंटे तक। फिर इसी तरह से हृदय, हृदय के काम करने का समय है सबसे ज्यादा ब्रह्म मुहूर्त से 2.5 घंटे पहले। ब्रह्म मुहूर्त आप समझते हैं 4:30, तो 2:15 बजे, 1:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में हर्ट सबसे ज्यादा सक्रिय होता है और सबसे ज्यादा हार्ट अटैक उसी समय में आते हैं। किसी भी डॉक्टर से पूछ के देख लीजिए, क्योंकि हृदय जब सबसे ज्यादा सक्रिय होगा तो हृदयघात भी उसी समय होगा। इसलिए 99% हार्ट अटैक अर्ली मॉर्निंग्स में ही होते हैं, क्योंकि हृदय के काम करने का उस समय सक्रियता सबसे ज्यादा है। इसी तरह हमारा लीवर है, इसी तरह किडनी है, इसकी पूरी एक सूची मैंने बनाई है, बाहर पुस्तकों में है, इसलिए विस्तार में मैं नहीं जाता। संकेत के लिए आपसे कह रहा हूं कि हर शरीर के अंग का काम करने का एक निश्चित समय है, प्रकृति ने तय किया है उसको, भगवान ने तय किया है। तो आपका जठर अग्नि है ये सबसे अच्छा 7 से 9:30, तो आप भरपेट खाना खाइए, ठीक है। फिर आप बोलेंगे जी दोपहर को भूख लगी तो थोड़ा और खा लीजिए, लेकिन बागवत जी कहते हैं कि सुबह का खाना सबसे ज्यादा, अगर आज की भाषा में मैं कहूं तो आपका जो ब्रेकफास्ट है ना वो हैवियर से हैवियर होना चाहिए, भारी से भारी ब्रेकफास्ट। जितना खाते हैं ज्यादा भी खा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह के नाश्ते में भरपेट खाइए। फिर वो कहते हैं दोपहर का भोजन अगर आप कर रहे हैं तो इसको थोड़ा कम करिए नाश्ते से, दोपहर का भोजन नाश्ते से कुछ कम करिए, 1/3 कम कर दीजिए, और रात का भोजन दोपहर के भोजन का 1/3 कर दीजिए। अब सीधे से मैं कहता हूं, अगर आप सवेरे 6 रोटी खाते हैं तो दोपहर को 4 ले लीजिए और शाम को 2 ले लीजिए। अगर आपको आलू का पराठा खाना है या गोभी का पराठा खाना है, आपकी जीभ स्वाद के लिए मचल रही है, तो बागवत जी कहते हैं कि सब कुछ सवेरे खाओ, आलू का पराठा भी खाओ, गोभी का पराठा भी खाओ, मूली का पराठा खाओ, जो आपको खाना है। हालांकि जैन है तो आलू का पराठा तो निषिद्ध है, मूली का भी निषिद्ध है आपके लिए। फिर अगर जो जैन नहीं है उनके लिए आपको जो ज्यादा अच्छा लगता है खाने में, मैं आपको एक वाक्य में कहता हूं, जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है वो सुबह खाओ। रसगुल्ला पसंद है तो सुबह खाओ, रबड़ी खानी है तो पसंद है तो सुबह खाओ, जलेबी खानी है तो सुबह खाओ, इमरती खानी है तो सुबह खाओ। जो भोजन आपको सबसे ज्यादा पसंद है वो सुबह खाओ, पेट भर के खाओ। वो ये कहते हैं कि इसमें छोड़ने की जरूरत नहीं है, पेट भर के खाओ तो पेट की संतुष्टि हुई, मन की भी संतुष्टि होती है। और बागवत जी कहते हैं कि भोजन में मन की संतुष्टि पेट की संतुष्टि से ज्यादा बड़ी है। मन हमारा जो है ना, ये खास तरह की वस्तुओं से या हार्मोन से या एंजाइम से संचालित है। मन को आज की भाषा में डॉक्टर्स लोग जो गिनते हैं ना, हालांकि वो है नहीं, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो पीनियल ग्लैंड के बारे में है। ये जो पीनियल ग्लैंड है ना, इसमें से बहुत सारा रस निकलता है, जिनको हम हार्मोन्स कह सकते हैं, कुछ एंजाइम्स हैं। ये संतुष्टि के लिए सबसे आवश्यक ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड। तो भोजन अगर आपको तृप्त करता है, भोजन में एक तो पेट भरना है और एक तृप्त होना, तृप्त करेगा तो पीनियल ग्लैंड आपकी सबसे ज्यादा सक्रिय है, तो जो भी रस और एंजाइम चाहिए शरीर को नियमित रूप से समान अंतर पे निकलते रहते हैं। और जो भोजन से तृप्ति नहीं है तो गड़बड़ होती है पीनियल ग्लैंड, और पीनियल ग्लैंड की गड़बड़ी पूरे शरीर में पसर जाती है और आपको तरह तरह के रोगों का शिकार बना दे। अगर आप तृप्त भोजन नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से 10-12 साल के बाद आपको मानसिक क्लेश होगा और रोग होंगे। मानसिक रोग बहुत खराब है, आप सिज़ोफ्रेनिया के शिकार हो सकते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, आपको कई ऐसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। बागवत जी कहते हैं कि आप भोजन करते हुए अगर संतुष्ट नहीं है तो 27 तरह की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। उनकी पूरी सूची है, वो पुस्तक में है।
कभी भी भोजन करें तो पेट तो भरे ही, मन भी तृप्त हो, और मन के तृप्त और पेट के भरने का सबसे अच्छा समय सवेरे का ही है। अब मैंने ये बागवत जी के सूत्र को चारों तरफ देखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मनुष्य को छोड़कर जीव जगत का हर प्राणी इस सूत्र का पालन कर रहा है, मनुष्य को छोड़कर, क्योंकि मनुष्य को मैं मूर्ख मानता हूं। हालांकि मनुष्य अपने को होशियार समझता है, लेकिन मनुष्य से ज्यादा होशियार ये जीव जगत के प्राणी हैं। आप चिड़िया को देखो, चिड़िया कितने भी तरह की चिड़िया, सवेरे सूरज उगते ही उसका खाना शुरू हो जाता है और भरपेट खाती है। 6 बजे के आसपास आप राजस्थान में निकल जाओ, गुजरात में निकल जाओ, सब चिड़िया अपने अपने काम पे लगी हुई है, खाना खाने में खूब जम के खाती है, और पेट भर गया उसके 4 घंटे के बाद ही पानी पीती है, दोपहर को ही पानी पीती। गाय को देखो, सुबह उठते ही सूरज जैसे ही निकलेगा गाय का खाना शुरू हो जाएगा, भैंस का खाना शुरू हो जाएगा, बकरी, बकरे, भेड़, गधा, घोड़ा सब सुबह उठते ही खाना खाना शुरू करेंगे और पेट भर के खाएंगे, छक के खाएंगे, फिर दोपहर को आराम करेंगे। तो ये सारे जानवर, सारे जीव जंतु, आप सांप को देखो, बिच्छू को देखो, कीड़ी को देखो, चींटी को देखो, चींटे को देखो, सब जानवर, सब जीव जंतु जो हमारी आंखों से दिखते हैं, जो नहीं भी दिखते हैं, ये सबका भोजन करने का समय सवेरे सूर्योदय का ही है। सूर्योदय के साथ ही ये सब भोजन करते हैं, इसलिए ये हमसे ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। मैंने आपको कई बार ये कहा है, आप उसको हंस देते हैं, किसी भी चिड़िया को डायबिटीज नहीं होता, किसी भी बंदर को हार्ट अटैक नहीं आता। बंदर तो आपके नजदीक है ना, शरीर रचना में बस बंदर और आप में एक ही अंतर है कि उसको पूंछ है, आपको नहीं है, बाकी सब कुछ है कि आपका हृदय बंदर का हृदय, आपका लीवर बंदर का लीवर, आपकी किडनी बंदर की किडनी, सब कुछ समान है, मां का गर्भाशय बंदरिया का गर्भाशय सब समान है, एक ही अंतर है उसको पूछे आपको नहीं है। तो ये बंदर को कभी भी डायबिटीज नहीं, आर्थराइटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं डॉक्टर रविंद्रनाथ शानबाग, वो रहते हैं कर्नाटक में, कर्नाटक में एक उडुपी नाम की जगह है, वहां रहते हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं। उन्होंने एक बड़ा गहरा रिसर्च किया, उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी भर, मैंने 15-16 साल उन्होंने एक रिसर्च किया कि बंदर को बीमार बनाओ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिकों से यह सुन रखा है कि बंदर बीमार नहीं होता, और बीमार होगा तो मरेगा ही, जीवित नहीं रहेगा, तो बंदर को बीमार बनाओ। तो उन्होंने तरह तरह के वायरस और बैक्टीरिया बंदर को डालना शुरू किया, कभी इंजेक्शन के माध्यम से, कभी किसी माध्यम से। वो कहते हैं कि मैं 15 साल असफल रहा, बंदर को कुछ नहीं हो सकता। और मैंने कहा कि आपने ये बता दिया कि ठीक है बंदर को कुछ नहीं हो सकता, वो कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश किया कि उसके ब्लड का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दूं, बढ़ता ही नहीं। तब उन्होंने एक दिन रहस्य की बात बताई, वो आपको भी मैं बता देता हूं कि बंदर का जो ब्लड है ना, उसका आरएच फैक्टर दुनिया में सबसे आदर्श है, और आपका आरएच फैक्टर जब नापता है ना कोई डॉक्टर, तो बंदर से ही कंपेयर करता है, वो बताता नहीं आपको, ये अलग बात है, कंपैरिजन बंदर से ही होता है। कारण उसका है कि उसको कोई बीमारी आ नहीं सकती, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं, ट्राइग्लिसराइड कभी बढ़ता नहीं, डायबिटीज कभी होती नहीं, शुगर कितनी भी बाहर से इंट्रोड्यूस करो उसके ब्लड में टिकती नहीं। तो वो प्रोफेसर साहब कहते हैं यार ये सब एक ही चक्कर है कि बंदर सवेरे ही सवेरे भरपेट खाता है, जो आदमी नहीं खा पाता। तो वो प्रोफेसर रविंद्रनाथ शानबाग ने कुछ अपने मरीजों को कहा कि देखो भैया बंदर की तरह से खाओ, माने सुबह सुबह भरपेट खाओ। तो उनके कई मरीज हैं जिन्होंने पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और वो मरीज बताते हैं कि जब से उन्होंने सुबह भरपेट खाना शुरू किया, किसी की डायबिटीज माने शुगर कम हो गई, किसी का कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, किसी के घुटने का दर्द कम हो गया, किसी के कमर का दर्द कम हो गया, किसी का कुछ गैस बनना बंद हो गई, पेट में जलन होना बंद हो गई, नींद अच्छी आने लगी, वगैरह वगैरह सारे इंप्रूवमेंट वो बोलते हैं होते हैं। तब से वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, और ये बात भागवत जी 3,500 साल पहले कहते हैं कि सुबह का खाना सबसे अच्छा, माने सबसे ज्यादा खाना है, सबसे अच्छा खाना है, जो भी स्वाद आपको लगता है वो सुबह ही खाइए। तो सुबह का खाना फिक्स करिए, समय तय करिए।
तो समय मैंने आपको बता दिया, सूरज उगा और 2.5 घंटे तक, माने 9:30 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक आपका भोजन हो जाना चाहिए। और ये भोजन तभी होगा जब आप नाश्ता बंद करेंगे। ये नाश्ता हिंदुस्तानी चीज़ नहीं है, ये अंग्रेजों की है। और आप जानते हैं ना हमारे यहाँ चक्कर क्या चल गया, नाश्ता थोड़ा कम करेंगे, लंच थोड़ा ज़्यादा करेंगे, डिनर उससे भी ज़्यादा करेंगे, सवा सत्यानाश, एकदम उल्टा। भागवत जी कहते हैं कि नाश्ता सबसे ज्यादा करो, लंच उससे कुछ कम करो, डिनर सबसे कम करो। हमारा बिल्कुल उल्टा चक्कर है, डिनर सबसे ज्यादा, लंच उससे कुछ और नाश्ता सबसे कम। ये अंग्रेज और अमरीकियों के लिए नाश्ता कम है, कारण पता है, वो लोग नाश्ता हल्का ही करें तो उनके लिए अच्छा है, हमारे लिए नाश्ता ज्यादा ही करना बहुत अच्छा है। कारण उसका एक ही है कि अंग्रेजों के देश में सूर्य नहीं निकलता, साल में 8-8 महीने तक सूरज के दर्शन नहीं होते। और ये जो जठर अग्नि है ना, ये सूरज के साथ सीधे संबंधित है। जैसे जैसे सूर्य तीव्र होगा अग्नि तीव्र होगी, जैसे जैसे सूर्य कम होगा अग्नि भी कम होगी। तो यूरोप और अमेरिका में सूरज निकलता नहीं, साल में 8-8 महीने बर्फ पड़ती है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, तो वहां जब सूरज है नहीं तो जठर में अग्नि हो नहीं सकती, तो वो नाश्ता हैवी नहीं कर सकते, करेंगे तो उनको तकलीफ हो जाएगी। इसलिए मैंने सबसे पहले दिन जो सूत्र बोला था, अपनी आबोहवा, अपना पर्यावरण, अपना वातावरण, अपनी तासीर, इसको ध्यान में रखकर ही चलें। तो आपके देश की जो आबोहवा और तासीर है वो ये कि हर दिन सूरज निकलता है, सुबह निश्चित रूप से निकलता है, अगले दिन भी निकलेगा, करोड़ों साल से निकल रहा है, अगले करोड़ों साल तक निकलेगा। इसलिए भारत में एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग, सभी सुबह अच्छी है। यूरोप वाले तरसते हैं गुड मॉर्निंग के लिए, अच्छी सुबह होती नहीं वहां, इसलिए हर एक आदमी दूसरे को विश करता है, मे आई विश यू टू हैव ए गुड मॉर्निंग, इसलिए वो गुड मॉर्निंग वाले लोग हैं। हमारे यहां तो एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग, तो हम गुड मॉर्निंग में क्यों फंसे हुए हैं? तो गुड मॉर्निंग से निकलिए, नमस्ते में आइए, नमस्कार में आइए, वड़क्कम में आइए, ये गुड मॉर्निंग आपके लिए काम की चीज नहीं है। और ये गुड मॉर्निंग जुड़ी हुई है आपके पेट से, जितनी अच्छी सुबह होगी माने सूर्य जितना अच्छा होगा, उतनी तीव्र जठर अग्नि होगी, उतना ही अच्छा भोजन करिए। तो वो कहते हैं कि सुबह का खाना आप भर पेट खाइए, माने नाश्ते को लंच में बदल दीजिए, ठीक है, 9:30 बजे तक, 10 बजे तक ज्यादा से ज्यादा। फिर आप इसमें तर्क और कुतर्क मत करिए, जी हमको दुकान जाना है, हमको ऑफिस जाना है, हमको दुनियादारी संभालनी है, किसके लिए? इसी पेट के लिए ना, ये दुनियादारी कर किसके लिए? आप इसी पेट के लिए ना, तो पेट तो दुरुस्त होने के लिए भागवत जी कह रहे हैं कि भाई इसको संभाल लो तो दुनियादारी संभलती है, और ये गया तो दुनियादारी संभाल के करेंगे क्या? मान लीजिए पेट ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपने 10,000 करोड़ कमा लिया, क्या करेंगे? डॉक्टर को ही देंगे ना, तो डॉक्टर को देने से अच्छा किसी गौशाला वाले को दे दीजिए, पेट दुरुस्त कर लीजिए। तो पेट आपका है तो दुनिया आपकी है, ये आप जान लीजिए। इसलिए पेट को दुरुस्ती के लिए भागवत जी कहते हैं सुबह का खाना भर पेट खाइए, माने आप बाहर निकलें घर के तो छक्कर खाना खा के निकलिए, भोजन करके ही निकलिए। दोपहर को 12 बजे से 1 बजे के बीच में जठर अग्नि की तीव्रता कम होना शुरू होती है, तो उस समय थोड़ा कुछ हल्का खाएं, माने जितना सुबह खाया उससे कुछ कम खाएं तो अच्छा है, ना खाएं तो और भी अच्छा है, खाली फल खा लें, जूस पी लें, दही पी लें, मट्ठा पी लें, आदि आदि, शाम को फिर खाएं। अब शाम का भागवत जी कहते हैं कि आपने एक चीज देखी है ना, वो बहुत प्रकृति से सीखने की जरूरत है, दीपक, दीपक भरा तेल का दीपक आप जलाना शुरू करिए तो पहली लौ खूब तेजी से जलेगी, ठीक है, और अंतिम लौ भी तेजी से जलेगी, माने दीपक जब बुझने वाला होगा तो बुझने से पहले वो बहुत तेज जलेगा, यही पेट का भी नियम है। जठर अग्नि सुबह सुबह बहुत तीव्र होगी और शाम को जब सूर्यास्त होने जा रहा है तब भी तीव्र होगी, बहुत तीव्र होगी। तो कहते हैं शाम का खाना सूरज के रहते रहते खा लो, सूरज डूबा तो अग्नि भी डूबी। तो वैसे तो जैन दर्शन में कहा है रात्रि भोजन निषेध है, भागवत जी भी यही कहते हैं, तरीका अलग है बस।
आप अहिंसा के लिए कहते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए कहते हैं। वो ये कहते हैं शाम का खाना तो सूरज डूबने के बाद दुनिया में कोई नहीं खाता। गाय को खिला के देख लो, नहीं खाएगी। भैंस भी नहीं खाती, खिला के देख लो। बकरी भी नहीं खाएगी, बकरा। गधे को खिला के देख लो, खाता नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं खाता। आप खाते हैं तो आप अपने को कंपेयर कर लीजिए कि किसके साथ हैं आप। कोई जानवर, कोई जीव राशि सूरज डूबने के बाद खाती नहीं, तो आप क्यों खा रहे हैं? प्रकृति का नियम भागवत जी कहते हैं पालन करिए, माने रात का खाना जल्दी कर दीजिए, सूरज के रहते रहते, माने 5-6 बजे के आसपास आपके यहां सूरज डूबता है, 6 बजे या 6:30 बजे, वही समय सबसे अच्छा है डूबने से पहले। अब कितना पहले? तो भागवत जी ने उसका कैलकुलेशन दिया, 40 मिनट पहले। सूरज डूबने का समय पता कर लीजिए, चेन्नई में सूरज शाम को 7 बजे डूब रहा है तो 6:20 तक, 6 बजे डूब रहा है तो 5:20 तक। ये हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, सूरज डूबने से 40 मिनट पहले का ही निकलेगा। तो 40 मिनट पहले शाम का खाना खा लीजिए और सुबह का तो सूरज निकलने के 2.5 घंटे तक कभी भी खा लीजिए, दोनों समय पेट भर के खा लीजिए। फिर कहेंगे जी रात को क्या? तो रात के लिए भागवत जी कहते हैं कि एक ही चीज है रात के लिए, कि आप कोई तरल पदार्थ ले सकते हैं जिसमें सबसे अच्छा उन्होंने दूध कहा है। साध्वी जी तो वो भी नहीं ले सकते, साधु तो वो भी नहीं ले सकते, लेकिन आप गृहस्थी लोग हैं तो इतनी छूट चाहें तो आप ले सकते हैं। भागवत जी कहते हैं कि शाम को सूर्य डूबने के बाद, मैंने आपको कल कहा था, हमारे पेट में जठर स्थान में कुछ ऐसे हार्मोन्स या एंजाइम्स या रस पैदा होते हैं जो दूध को पचाते हैं। इसलिए वो कहते हैं सूर्य डूबने के बाद जो चीज खाने वाली है वो दूध है, या पीने वाला है वो दूध है। तो रात को दूध रख लीजिए, 6 बजे तक भरपेट खाना रख लीजिए। सुबह का खाना अगर आपने 9:30-10 बजे खाया तो शाम को 6 बजे खूब अच्छी सी भूख लगेगी। फिर आप कहेंगे जी हम तो दुकान पे बैठे हैं 6 बजे, तो डब्बा मंगा लीजिए, दुकान में डब्बा आ सकता है। हाँ, डब्बा आने में कोई तकलीफ नहीं है। दुकान में आप 6 बजे बैठे हैं, डब्बा आपका आ सकता है। और मैं आपको हाथ जोड़कर कह रहा हूं, आप में से कोई भी डायबिटिक पेशेंट है, कोई भी अस्थमेटिक पेशेंट है, किसी को भी बात का गंभीर रोग है, आज से ये सूत्र चालू कर दीजिए। 3 महीने बाद आप खुद मुझे फोन करके कहेंगे राजीव भाई पहले से बहुत अच्छा हूं, शुगर लेवल कम हो रहा है, अस्थमा मेरा पहले से कम हो रहा है। ट्राइग्लिसराइड चेक कर लीजिए और इस सूत्र को शुरू कर दीजिए। 3 महीने बाद फिर चेक करा लीजिए, पहले से कम होगा। VLDL LDL आज चेक कर लीजिए, 3 महीने बाद फिर चेक करा लीजिए, बहुत तेजी से घटेगा। HDL आज चेक करा लीजिए, 3 महीने बाद चेक करा लीजिए, बहुत तेजी से बढ़ेगा। और HDL बढ़ना ही चाहिए, LDL VLDL कम होना चाहिए। तो ये सूत्र भागवत जी का जितना संभव हो आप ईमानदारी से पालन करिए, वो आपको स्वस्थ रहने में बहुत मदद करेगा। अब इसके आगे का एक सूत्र भागवत जी कहते हैं कि जब भी आप खाना खाएं तो हर समय ये बात का ध्यान रखें, हर समय, कि दो ऐसी विरुद्ध वस्तुएं एक साथ ना खाएं जिनका गुण और स्वभाव एक दूसरे के विपरीत है। दो विरुद्ध वस्तुएं एक साथ कभी भी ना खाएं, ये है सीधा सूधा सूत्र। अब आप कहेंगे हमें पता नहीं विरुद्ध वस्तुएं क्या हैं। मैं कुछ विरुद्ध वस्तुओं की सूची बता देता हूं। डिटेल सूची तो भागवत जी ने बताई है, 103 वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के एकदम खिलाफ है। 103 वस्तुएं, जैसे सबसे पहली वस्तु उन्होंने बोली है प्याज और दूध, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है। दूध और प्याज साथ में खाया तो बीसियों बीमारियां आने ही वाली हैं। सबसे ज्यादा बीमारियां आएंगी त्वचा की, आपको सोराइसिस होगा, आपको एक्जिमा होगा, आपको खाज होगी, आपको खुजली होगी, अगर प्याज दूध साथ में खा रहे हैं तो कभी भी ना खाएं। इसी तरह से वो कहते हैं कि कटहल, कटहल को क्या कहते हैं, कटहल समझते, जैक फ्रूट, दूध और जैक फ्रूट कभी ना खाएं, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन। और दूध और ऐसा कोई भी फल साथ में ना खाएं जो सिट्रिक एसिड प्रधान है। सिट्रिक एसिड आप समझते हैं, संतरा, मौसमी, नारंगी, अंगूर, खट्टी चीज,
एक खट्टी चीज तो आपकी बनाई हुई है, एक खट्टी चीज भगवान की बनाई हुई, तो भगवान की बनाई हुई खट्टी चीज है दूध के साथ जानी दुश्मन है। भागवत जी ने बहुत साल रिसर्च करके बताया एक ही खट्टा फल है जो दूध के साथ खाएं, वो है आंवला। आंवला, आंवला ही एक फल है, खट्टा है, सिट्रिक एसिड भरपूर मात्रा में है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, कैल्शियम उसमें भरपूर है, यही एक फल है जो दूध के साथ जरूर खाएं। बाकी कोई फल जिसमें खट्टापन है वो दूध के साथ ना खाएं। आम भी, आम अगर खट्टा है तो दूध के साथ ना खाएं, मीठा है तभी खाएं। आम और दूध की दोस्ती बहुत जबरदस्त है, लेकिन खट्टे आम की दूध से दोस्ती नहीं है। मीठा आम, एकदम मीठा आम, पका हुआ आम, उसी को दूध के साथ खा सकते हैं। एक और उन्होंने गिना है, वैसे तो आप जैन हैं तो ये बात आपके लिए लागू ही नहीं होती, लेकिन जैन नहीं है इसलिए कह रहा हूं। तो कभी भी शहद और घी एक साथ ना खाएं, दुनिया का सबसे खराब जहर है ये शहद और घी। शहद घी साथ में ना खाएं, शहद खाना है तो घी ना खाएं, घी खाना है तो शहद ना खाएं। इसी तरह से उड़द की दाल और दही गलती से भी साथ में ना खाएं। उड़द की दाल, वैसे तो मैंने कल बोला था द्विदल, द्विदल में सबसे खतरनाक है उड़द की दाल। उड़द की दाल के बारे में जितनी भी रिसर्चेस भारत में हुई हैं वो ये कहती हैं कि ये दालों की राजा है, इसलिए ये अकेला ही खाएं, इसके साथ दही नहीं खा सकते उड़द की दाल के साथ। दालों की राजा है, राजा अकेला ही रहता है ऐसा कहा जाता है। तो वो कहते हैं उड़द की दाल भरपूर खाएं, मना नहीं है, लेकिन अकेली खाएं। और बाकी जो दालें हैं, अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, तो मैंने कल कहा था कि ये भी द्विदल में है, दही तो ना खाएं, लेकिन कोई मजबूरी में खाना है तो उपाय मैंने बताया था कि दही गर्म करके खाएं, माने दही में भघार लगा के खाएं ताकि तासीर गर्म हो जाए उसकी, या मट्ठा गरम करके खाएं तासीर उसकी गरम हो जाए। लेकिन मेरी आपको विनम्र विनती है, उड़द की दाल के साथ तो बिल्कुल ना दही खाएं ना मट्ठा खाएं, बघारा हुआ भी नहीं खाएं। भागवत जी कहते हैं कि चलेगा ही नहीं। मैंने इस पे मेरे अपने शरीर पे एक्सपेरिमेंट किया। मैंने एक दिन कहा कि चलो खा के देखते हैं, भागवत जी ने कहा ना खाएं, खा के देखें क्या होता है शरीर को। तो मैंने खाने से पहले मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया और उड़द की दाल खाने के बाद दही खाया और फिर ब्लड प्रेशर चेक किया, तो मेरा ब्लड प्रेशर 22-25% बढ़ा हुआ था। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि रोज रोज अगर मैं ये खाने लगूं उड़द की दाल और दही उड़द की दाल, तो 100% 6-8 महीने में हार्ट अटैक आ ही जाएगा। इसका मतलब माताओं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है, दही बड़ा कभी भी नहीं, क्योंकि दही बड़ा में उड़द की दाल का बड़ा अगर है तो दही बिल्कुल नहीं। अगर आपको दही बड़ा खाना ही है तो मूंग की दाल का, मूंग की दाल का बड़ा है, दही बघार कर या मट्ठा बघार कर आप ले सकते हैं। उड़द की दाल का बड़ा अगर बनाया है तो दही के साथ तो गलती से भी नहीं। उड़द की दाल का बड़ा सीधे चटनी से खा सकते हैं, दही से नहीं। और अगर शादी ब्याह है आपके घर में तो मीनू बनाते समय ध्यान रखें कि मेहमानों को उड़द की दाल का बड़ा और दही ना परोसें, नहीं तो दोहरे पाप के भागीदार बने। आप अपना तो नाश करेंगे ही, आने वालों का भी नाश करेंगे, और अतिथि देवता है, उसको जहर ना खिलाएं। तो ऐसी एक सूची है, मैंने तो आपको 4-5 चीजें बताई हैं, विस्तार से आप पुस्तक में देख सकते हैं। वो सूची ये कहती है 103 वस्तुओं की, ये चीज इसके साथ ना खाएं, ये चीज इसके साथ ना खाएं। तो भागवत जी कहते हैं दो विरोधी चीजें साथ में ना खाएं, और वो कहते हैं कि अगर आपने ये सूत्र धारण कर लिया तो जिंदगी भर आप निसंकोच बिना किसी रोग के जीवन बिता सकते हैं। तो आज का एक सूत्र मैंने बोला, फिर ये दूसरा सूत्र हुआ, अभी तीसरे सूत्र पर चलता हूं। आज का भागवत जी कहते हैं कि खाना आप जब भी खाएं तो उसको जमीन पर बैठकर ही खाएं, जमीन पर बैठकर खाएं। मैं जैसे बैठा हूं ना, इसको आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं सुख आसन, ये आसन में खाना खाएं। क्यों खाएं जी, प्रश्न आएगा आपके मन में। तो भागवत जी समझाते हैं कि जब आप इस आसन में बैठते हैं सुख आसन में, तो आपके शरीर का जो जठर है ना, ये जो है सबसे ज्यादा तीव्र है,
और इस आसन में इसकी तीव्रता हमेशा मेंटेन रहती है। आप अभी कुर्सी पर बैठे हैं, इसमें तीव्रता घट जाती है, और खड़े हो जाएं तो बिल्कुल कम हो जाएगी। कारण क्या है? आप शरीर के बारे में थोड़ा जानते हैं ना, हमारे शरीर में कई चक्र हैं। एक चक्र जो है ना, ये जो पीछे है, जहां पर आपका हिप जॉइंट्स और आपका ये जो मन का होता है जहां मिलते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। ये प्रदीप्त होता है तभी, मन दीप्त होता है जब आप इस स्थिति में बैठे, और इसका जठर पर सीधे असर है। और ये असर आप अगर महसूस करना चाहते हैं तो जमीन पर बैठ के ही खाएं। और वो ये कहते हैं कि भोजन की जो थाली है वो आप बैठे उससे थोड़ा ऊपर रहे, माने पट्टा रख के या स्टूल रख के थाली उस पर ऐसे बैठ के खाएं। बागवत जी ने और एक बात कही है कि सबसे अच्छा तो ये है सुखासन, जिसमें आप बैठकर खाना खाएं। वो कहते हैं और एक आसन है जिसमें आप खाना खा सकते हैं, बाकी किसी में भी नहीं। वो गाय का दूध जब निकालते हैं ना, कैसे बैठते हैं, बस उस स्थिति में भी आप खाना खा सकते हैं। उकड़ू गाय दूध निकालने का जो स्थिति है बैठने का, उस स्थिति में बैठ के आप खाना खा सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। इसको ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आगे उन्होंने एक वाक्य लिख दिया कि जो शरीर श्रम ज्यादा करते हैं, जैसे किसान, जैसे हमारे कारीगर मजदूर, उनके लिए उकड़ू बैठकर खाना खाना सबसे अच्छा। खाते भी हैं, माने वो चेले हैं सब बागवट के। और आप जो शरीर श्रम कम करते हैं, आपके लिए इस आसन में बैठकर खाना खाना अच्छा। अब आप आज से एक ऑब्जर्वेशन कर लीजिए कि जितने लोग इस बात से परेशान हैं कि उनका पेट आगे निकल आया है, वो इस आसन में बैठ के खाना खाना शुरू कर दें और 3 महीने के बाद फिर देखें तो उनका पेट पहले से कम ही होगा, आगे नहीं आएगा। और ये जो डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाएंगे, पेट आगे निकलता ही जाएगा, क्योंकि कुर्सी आपके लिए बनी नहीं है, ये अंग्रेजों के लिए बनी है। अंग्रेजों के लिए कुर्सी इसलिए बनी है कि ठंड बहुत है ना, तो जॉइंट्स कड़क रहते हैं उनके, सभी जॉइंट्स कड़क होंगे, कठोरता आएगी। आपके यहां गर्मी बहुत है तो आपके जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आप आसानी से जमीन पर बैठ सकते हैं। कोई अंग्रेज नहीं बैठ सकता जैसे मैं बैठा हूं, अमरीकी नहीं बैठ सकता, क्योंकि घुटने कड़क हैं, हिप जॉइंट्स कड़क हैं, बैठने में तकलीफ है। तो उन्होंने अपनी तकलीफ को कम करने के लिए कुर्सी का आविष्कार किया है। आधे तो बैठे, पूरे नहीं बैठ सकते, तो वो आपके लिए नहीं है कुर्सी, ये अंग्रेजों की देन है। तो मेरी आपको विनती है कि डाइनिंग टेबल पे खाना ना खाएं। तो आप कहेंगे जी ले लिया, तो बहुत सारा कचरा भर रखा है आपने घर में, क्या करेंगे उसका? हमको हिंदुस्तानियों को पिछले 60-70 साल में या 100 साल में एक गजब बीमारी हुई है, दुनिया भर का कचरा घर में लाके रखना। हां, ये इतनी खराब बीमारी आई है हमको कि बिना सोचे बिना समझे कचरा लाला के घर में रखना। रसोइयों में, मैं घरों में जाता हूं ना, टीन टपरे के इतने डब्बे होते हैं, खाली हैं, फेंकेंगे नहीं, संभाल के कब काम आएंगे मालूम नहीं, लेकिन वो भरते ही जाते हैं। रसोई में इतने डिब्बे डब्बियां हैं, काम के शायद उसमें आधे भी नहीं है, लेकिन रखा हुआ है। पता नहीं कचरे से इतना मोह क्यों है, जो बाहर फेंकना चाहिए वो घर में सजा सजा के रखा हुआ है। और फेंकने की बात करो, अरे पता नहीं कभी काम आ जाए, और वो कभी 60 साल में भी नहीं आता, 100 साल में भी नहीं आता। तो उसी कचरे में मैं गिनता हूं आपकी डाइनिंग टेबल। अब आप जरा हिसाब निकालो जी, ये आपने लाके रखी है डाइनिंग टेबल, मान लो ये 100 स्क्वायर फिट की है, 10 बाई 10 की है, या मान लो 50 स्क्वायर फिट की है, 50 स्क्वायर फिट की जगह आपने घर में घेर रखी है, क्या भाव है मद्रास में जगह का? 3,000 रुपए स्क्वायर फिट, और 50 स्क्वायर फिट आपने घेर के रखा है। जरा जोड़ लो ना, 3,000 में 50 का गुणा करके, और रोज का हिसाब निकाल लो। तो एक तो खरीदा तब आपने पैसा बर्बाद कर दिया, अब इसको जगह को घेर के बर्बाद कर दिया आपने। तो अगर बन सके तो डाइनिंग टेबल निकाल दें, नहीं निकाल सकते तो कोने में रख दें। अब आखिरी बात, आप कहेंगे राजीव भाई कुछ तो ऐसी बात करो, ये डाइनिंग टेबल ले आए तो इसका कुछ तो उपयोग करो। तो अगर आप सच में ईमानदारी से डाइनिंग टेबल पर बैठ के ही खाना खाना चाहते हैं, तो कुर्सी पर ऐसे बैठ जाएं जैसे मैं बैठा हूं। डाइनिंग टेबल की कुर्सी है ना, वो है, आपको उससे छूटता नहीं है,
तो भागवत जी तो मना करते हैं, मैं उसमें एक सजेशन दे रहा हूं कि जैसे मैं आसन में बैठा हूं कुर्सी पे भी ऐसे ही बैठ जाइए, आलती पालती मार के फिर खा लीजिए। लेकिन अच्छा तो नहीं है, लेकिन बीच का कोई रास्ता तो है। अब डाइनिंग टेबल निकले इसमें तो समय लगेगा, क्योंकि मन से नहीं निकलती, शरीर से निकलना तो आसान होता है, मन से नहीं निकलता। पता नहीं कितने कितने पैसे जमा करके ये हम लाए थे, अब ये निकले कैसे। तो आप उसका अगर सच में उपयोग करना चाहते हैं तो डाइनिंग टेबल पे कुर्सी पे ऐसे बैठ जाइए, आसन मार के आलती पालती मार के फिर खा लीजिए। और नहीं है अगर डाइनिंग टेबल तो बहुत सुखी है, मत लाइए, मेरी तो विनती है मत लाइए। उसकी जगह लाना है तो छोटे छोटे पटरे ले आइए, जो आपके रसोई में बैठ के आप खाएं तो बहुत अच्छा है। अब आगे का एक सूत्र, बहुत अच्छा सूत्र है। भागवत जी कहते हैं कि खाना जब दोपहर को खाएं और सुबह खाएं, सुबह और दोपहर ये दो बात, वो ये कहते हैं कि दोपहर और सुबह का खाना खाएं। वैसे तो वो कहते हैं दोपहर का ना खाएं, दोपहर का खाना सवेरे खाएं, लेकिन अगर आप खा ही रहे हैं तो वो ये कहते हैं कि तुरंत विश्रांति लें, खाते ही विश्रांति लें, खाते ही आराम करें, काम कोई ना करें। सुबह का खाना अगर 10 बजे खाया या 12 बजे खाया या 11 बजे खाया तो खाते ही विश्रांति लें। कब तक? 20 मिनट विश्रांति लें। और उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वो विश्रांति जो होनी चाहिए वो आपके शरीर को, जो बायां हाथ है इसको नीचे करके दाएं हाथ को ऊपर करके वाम कुक्षी अवस्था में लेटें। अब वाम कुक्षी को सरल भाषा में समझाता हूं, भगवान विष्णु को लेटे हुए देखा शेषनाग पर, बस उसी परिस्थिति में लेटे, उसी स्थिति में लेटे विष्णु भगवान शेषनाग पर लेटे हुए, वो वाम कुक्षी की अवस्था है। खाना खाने के बाद हमेशा दोपहर को और सुबह इस अवस्था में जरूर लेटे। क्यों? लेफ्ट साइड। आप जानते हैं हमारे शरीर में दो नाड़ियां हैं, वैसे तो तीन है, तीन नाड़ियां, एक सूर्य नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी है, एक मध्य नाड़ी है। ये जो सूर्य नाड़ी है यही भोजन को पचाने में मदद करती है। सूर्य नाड़ी तभी चलती है जब आपकी चंद्र नाड़ी कम हो। भोजन पचाना है सुबह का और दोपहर का, सूर्य नाड़ी तीव्र होनी ही चाहिए, तो लेफ्ट साइड में लेटो तो तुरंत सूर्य नाड़ी शुरू हो जाती है। वैसे तो अगर आप स्वस्थ हैं तो खाना खाते ही आपकी सूर्य नाड़ी अपने आप शुरू हो जानी चाहिए, नहीं हो रही है तो लेफ्ट साइड में लेट जाइए, लेटते ही शुरू हो जाएगी। 20 मिनट जरूर लेटें। फिर आप कहेंगे जी नींद आ गई, तो भागवत जी कहते ले लो एक झपकी। वो ये कहते हैं रोको मत इस नींद को। जो सूत्र उन्होंने लिखा है कि दोपहर भोजन के बाद या सुबह भोजन के बाद अगर आपको आलस्य है शरीर में तो वो कहते हैं कि बिना संकोच इस झपकी को ले लो, 20 मिनट की झपकी ले लो, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट की ले लो, इसके आगे नहीं। तो अगर आप भोजन के बाद इस विश्रांति ले लें 20 से 40 मिनट तो अगले आधे दिन काम करने को बहुत एनर्जी आपके पास आएगी। आप चाहें तो आज ही करके देख लें। मैं इस सूत्र को वैसे कल विस्तार से समझाने वाला हूं। भागवत जी ने कल एक सूत्र, माने कल मैं उस सूत्र को लूंगा, उसमें उन्होंने ये कहा है कि शरीर के 14 वेग होते हैं, वेग उनको कभी भी रोके नहीं, उसमें से निद्रा है, नींद जो है ना ये एक वेग है। तो वो कहते हैं कि दोपहर के खाने के बाद अगर आलस्य आ रहा है तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि खाना खाते ही जठर अग्नि प्रदीप्त होगी। अग्नि प्रदीप्त होने के लिए मैंने आपसे कल समझाया था ना, ब्लड की जरूरत पड़ेगी। तो सारे शरीर का खून पेट में रहता है जब तक खाना पचता है, तो बाकी अंगों को खून की कमी है तो प्रेशर बढ़ेगा, सारा खून एक जगह आएगा तो दूसरे अंगों पर तकलीफ आएगी कि नहीं। तो ब्रेन को प्रेशर आता है तो ब्रेन रिलैक्स होना चाहता है, इसलिए भोजन के बाद आपको सुस्ती आएगी ही, ये प्रकृति का नियम है। तो आप ले लेना उस नींद को, छोड़ते क्यों है, बहुत कीमती है, लोगों को मिलती नहीं, गोलियां खाते हैं फिर भी नहीं आती, करोड़ों रुपए लेने वालों को मैंने देखा है आती नहीं है नींद, आपको आ रही है तो बात बहुत सुखी है। तो आप दोपहर की झपकी ले लें। मैं आपको और एक छोटी सी जानकारी बताऊं कि भागवत जी के इस सूत्र पर यूरोप और अमेरिका में बहुत रिसर्च हो रही है आजकल ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में और मैक्सिको में कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने लंच के बाद ब्रेक देना शुरू किया है अपने कर्मचारियों को,
और ब्राजील और मेक्सिको और ऑस्ट्रेलिया तीनों देश की सरकारें 2008 में कानून बनाने जा रही हैं, कानून बनने जा रहा है कि हर एक कर्मचारी को लंच के बाद झपकी लेने के लिए ब्रेक देना कंपलसरी है। तो सभी कंपनियों को ऑर्डर आया है सरकार का कि अपने ऑफिस की डिजाइन इस तरह से करो कि कोई भी कर्मचारी जहां बैठकर काम कर रहा है वहां झपकी भी ले सके। जिन कंपनियों में ये चल रहा है सिलसिला, मैंने उनसे ईमेल से कांटेक्ट किया कि भैया ये तुमको कहां से याद आ गया, ये तो बागवट जी 3,500 साल पहले कह के गए। तो उन्होंने कहा ये आपके यहां 3,500 साल पहले था, हमारे यहां अब पहुंचा है, हमको अब पता चला है, हमने इस पे रिसर्च शुरू किया है। तो उन्होंने ये महसूस किया है कि जिन कर्मचारियों को दोपहर खाने के बाद वो झपकी लेने की छूट दे रहे हैं उनकी काम करने की एफिशिएंसी 3 गुना बढ़ गई है, एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो वो कह रहे हैं कि पहले से ज्यादा काम कर रहे हैं, तनख्वाह उतनी ही है, बस एक झपकी लेने की छूट उनको मिली है, काम बढ़ गया उनका। तो आप भी महसूस कर सकते हैं। और माताओं बहनों को तो विशेष विनती है, क्योंकि आपका घर का काम भी कुछ कम नहीं है, किसी भी फैक्ट्री को चलाना बहुत आसान है, घर चलाना बहुत मुश्किल काम है। और घर में भी सबसे मुश्किल काम है बच्चों को बड़ा करना, मैं मानता हूं दुनिया में इससे बड़ा कोई काम नहीं। तो आपको काम तो घर में भी है, आप भी भोजन के बाद एक झपकी लेने का नियम बना ही लो, सब काम छोड़कर झपकी ले लो आप, क्योंकि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके शरीर के स्वस्थ रहने से ज्यादा बड़ा कोई काम नहीं है दुनिया में। जो आपका शरीर दुरुस्त रहेगा तो घर आगे भी ठीक से चलता रहेगा। इसलिए कोई संकोच नहीं, कोई लिहाज नहीं, कोई शर्म नहीं, सास की शर्म नहीं, ससुर की शर्म नहीं, पति की शर्म नहीं, बच्चों की शर्म नहीं। आपने दोपहर का खाना खाया, झपकी ले ही लो 20 मिनट से 40 मिनट, जिंदगी आपकी सुखी रहेगी, जिंदगी भर आप सुखी रहेंगे। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, यह शरीर की जरूरत है। जैसे भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, इसमें क्या शर्म करते हैं, वैसे ही खाना खाते ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ब्रेन को ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं है, तो नींद लेना ही शरीर के लिए अच्छा है। तो आप ये कर लो। पुरुषों के लिए भी मेरी विनती है, आप कहेंगे जी दुकान में व्यवस्था नहीं, कुछ बना लो, आगे पीछे कुछ तोड़ ताड़ के ऐसी व्यवस्था कर लो कि खाते ही पैर सीधे करने को कुछ तो हो जाए। आप कहेंगे जी बैंक में काम करते हैं, बीमा कंपनी में काम करते हैं, तो मैं अमेरिका यूरोप की उन कंपनियों की लिस्ट दे देता हूं जहां पर यह नियम बन चुका है। आपके बैंक और बीमा वालों को वो लिस्ट दिखा दो कि जब ये अमेरिका और कनाडा और ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कानून बन सकता है तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं। बागवट तो हिंदुस्तान के थे। तो आपके बैंक और बीमा कंपनियों में भी कोशिश करो। लेकिन आपको मालूम है ये जो हमारा बीपीओ सेक्टर है, यहां तो हो गया है, गुड़गांव में चालू हो गया, उन्होंने चालू कर दिया दोपहर को खाने के बाद झपकी लेने की छूट देना शुरू कर दिया। तो अगर वहां हो रहा है बीपीओ सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, तो सब जगह हो जाएगा, धीरे धीरे ये आ जाएगा। अब मैं आपको एक उल्टी बात कहता हूं, गुजरात में जाता हूं मैं, राजस्थान में जाता हूं, जयपुर जैसे शहर में, राजकोट जैसे शहर में, तो दोपहर को सारा बाजार बंद रहता है। राजकोट में 1,000 करोड़ का बिजनेस होता है रोज का, दोपहर को कोई दुकान पे नहीं मिलेगा, करोड़पति से करोड़पति कहां है जी, खाना खा के झपकी ले रहे हैं। बहुत सुखी लोग हैं। काठियावाड़ में मैंने देखा है, क्या पोरबंदर, क्या राजकोट, क्या जामनगर, क्या जूनागढ़, क्या अमरेली, दोपहर को बाजार खुलेगा ही नहीं। और मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि ग्राहक आके खड़ा है करोड़ों रुपए लेके, सेठ जी कहेंगे जी शाम को आना 4 बजे के बाद, अरे सेठ जी मेरे पास बैग भरा है रुपयों का, शाम को ले आना, मुझे अभी इतनी फुर्सत नहीं है, मैं नींद ले रहा हूं। बहुत सुखी लोग हैं, समय का सही सदुपयोग कर रहे हैं। अब कुछ लोग गालियां देते हैं, क्या निकम्मे लोग हैं, दोपहर को सोते हैं, सो नहीं चाहिए। पूना में आप चले जाइए, पेशवाई के जमाने से पूना के लोग दोपहर को खाने के बाद जरूर नींद लेते हैं, पेशवा ने इसके लिए बहुत प्रचार किया था बागवट के इस सूत्र का। तो वहां भी है, पूना में भी है, जो पुराने शहर है ना हिंदुस्तान में, हर जगह ये देखने को मिलेगा, दोपहर के खाने के बाद सब झपकी लेंगे ही। तो कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु का मुझे मालूम नहीं क्योंकि ज्यादा मैं घूमा नहीं, लेकिन आप ये ध्यान रखो कि ये जो नियम आप पालन करो तो ये प्रकृति के अनुकूल है, शरीर के अनुकूल है, इसलिए इसमें शर्म नहीं, झिझक नहीं। अच्छा, अब इसका उल्टा सूत्र है आगे का,
वो ये कहते हैं कि दोपहर और सुबह के खाने का अगर आपने नींद लिया है खाने के तुरंत बाद, तो रात का भोजन माने शाम का भोजन, रात से मतलब हमेशा शाम ध्यान रखना, तो शाम के भोजन के बाद कभी भी विश्रांति नहीं लेना, उल्टा है बिल्कुल। सुबह का भोजन किया तब तो विश्रांति जरूरी है, शाम का भोजन किया तो 2 घंटे तक विश्रांति नहीं लेना। 2 घंटे माने 6 बजे खाना खा लिया तो 8 बजे ही जाना सोने के लिए, उसके पहले नहीं। 5 बजे खाया तो 7 बजे, 2 घंटे तो विश्रांति लेना ही नहीं। क्यों? सुबह का जो है क्रम शाम को उल्टा है। सुबह सूर्य का प्रकाश है, पवन का स्पर्श बहुत तीव्र है, शाम को सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं है, तो शरीर की बायोकेमिस्ट्री पूरी बदल जाती है सुबह और शाम। सुबह कुछ तरह के हार्मोन्स हैं, शाम को दूसरे तरह के हार्मोन्स। तो शाम के लिए वो ऑब्जर्वेशन करके कहते हैं कि कभी भी खाने के बाद तुरंत सोना नहीं, अगर सोएंगे तो हार्ट अटैक, डायबिटीज, सब बीमारी आने की संभावना। तो शाम को खाने के 2 घंटे बाद तक ना सोएं, सुबह खाते ही जरूर विश्रांति लें। अब आके एक तीसरा सूत्र उन्होंने लिखा है, दोनों को शायद मिलाया उन्होंने, वो कभी भी एक्सट्रीम पे नहीं गए भागवत जी, बीच में ही रहे, मिडिल मार्ग है, मध्य मार्ग है। वो ये कहते हैं कि सुबह और शाम को अगर जो आप ये दोनों नियम पालन नहीं कर पाते किसी कारण से, करें तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाते तो वो ये कहते हैं कि 10 मिनट के लिए वज्रासन में जरूर बैठ जाएं, सुबह और शाम दोनों। सुबह का नियम अगर आप पालन नहीं कर पाते माने विश्रांति नहीं ले पा रहे किसी कारण से, और शाम का भी नियम पालन नहीं कर पा रहे हैं, 2 घंटे तक आपको सोना नहीं है किसी भी कारण से, कारण कुछ भी हो, तो वो ये कहते हैं वज्रासन में जरूर बैठें 10 मिनट। वज्रासन आप सब समझते हैं, ये ऐसे पैर पीछे करके बस 10 मिनट बैठ जाइए खाने के बाद, सुबह भी और शाम को भी। और प्राणायाम और योग में महर्षि पतंजलि ने कहा है कि भोजन के बाद जो किया जाने वाला आसन है वो ये एक ही है, बाकी कोई आसन आप नहीं कर सकते। और महर्षि पतंजलि कहते हैं, महर्षि पतंजलि भागवत के बाद के हैं, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अगर वज्रासन में कोई बैठता है तो शरीर बिल्कुल वज्र के जैसा ही होता है, वज्र आप समझते हैं एकदम कठोर मजबूत। अब मैंने हिंदुस्तान के कई लोगों को देखा, गांधी जी को तो मेरे आंखों से नहीं देखा, शोभाकांत जी ने देखा है, गांधी जी घंटों घंटों वज्रासन में बैठते थे, घंटों 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 घंटों, और आप देखो एकदम पतला दुबला शरीर और अंग्रेजों की लाठी खाने को हमेशा तैयार, वो वज्रासन की कृपा है गांधी जी। गांधी जी कोई आसन नहीं करते थे, कोई प्राणायाम नहीं करते थे, सुबह घूमने जरूर जाते थे लेकिन हमेशा ये वज्रासन में जब मौका मिला बैठ गए, जब मौका मिला बैठ गए, और घंटों घंटों 3-3 घंटे तो लोगों ने उनको देखा बिना हिले डुले वज्रासन में बैठ के चिट्ठी लिख रहे, किताब पढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो 10 मिनट तो न्यूनतम करें ही, ज्यादा से ज्यादा अगर आप कर सकें समय समय पर वज्रासन में बैठते रहें तो शरीर की बहुत सारी क्रियाएं एकदम दुरुस्त रहती। ये 3 सूत्र हुए, और एक चौथा सूत्र बता देता हूं। हमारे भागवत ऋषि कहते हैं कि आप जब खाना खा रहे हैं तो खाना खाते समय आपका चित्त और मन दोनों शांत रहने चाहिए। चित्त और मन 2 अवस्थाएं, चित्त की है मन की है। मॉडर्न साइंस में ना चित्त है ना मन है, वो ब्रेन की बात करते हैं, माइंड की बात करते हैं। माइंड अलग है, मन अलग है, ब्रेन अलग है, चित्त अलग। तो वो कहते चित्त और मन दोनों शांत रहें। तो चित्त और मन को शांत रखने का क्या उपाय है? तो शायद इसी के लिए हमारे देश में ये है कि भजन करें खाने के पहले, या ईश्वर की प्रार्थना करें खाने के पहले। अगर ईश्वर की प्रार्थना आप कर रहे हैं, कोई सूत्र बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके मन और चित्त में शांति आएगी। तो खाने के पहले मन और चित्त को शांत करें, भजन के द्वारा या तो भगवान की प्रार्थना के द्वारा, कोई मंत्र के द्वारा, कोई सूत्र के द्वारा, जैसे आप करना चाहें वो करें। और एक सूत्र बहुत महत्व का, वैसे तो मैं परसों कहने वाला हूं लेकिन आज मैं कह रहा हूं इसलिए क्योंकि वो इससे जुड़ा हुआ है। भागवत जी एक जगह लिख रहे हैं सूत्र में कि जब भी आप विश्रांति लें सुबह या शाम, माने रात को सोएं या दिन में सोएं, तो हमेशा दिशाओं का ध्यान रख के सोएं। अब यहां पे वास्तु घुस गया, वास्तुशास्त्र, वास्तु भी विज्ञान है। तो वो कहते हैं कि इसका जरूर ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें? तो वो कहें हमेशा आपको विश्रांति लेते समय सिर सूर्य की दिशा में रहे,
सूर्य की दिशा माने पूर्व की दिशा, और पांव पश्चिम में रहे। और वो कहते हैं कि अगर कोई बहुत मजबूरी आ जाए, कोई भी मजबूरी के कारण आप पूर्व में सिर नहीं कर सके, तो दक्षिण में जरूर कर ले, साउथ में। तो या तो ईस्ट और या साउथ, जब भी आराम करें लेटे तो सिर हमेशा पूर्व में ही रहे, पांव हमेशा पश्चिम में रहे, और कोई मजबूरी हो तो दूसरी दिशा है दक्षिण, दक्षिण में सिर रखें, उत्तर में पांव। आगे के सूत्र में भागवत जी कहते हैं कि उत्तर में सिर करके कभी भी ना सोएं, उत्तर, नॉर्थ। फिर आगे के सूत्र में लिखते हैं कि उत्तर की दिशा मृत्यु की दिशा है, सोने के लिए। उत्तर की दिशा दूसरे कई कामों में बहुत अच्छी है, पढ़ना है, लिखना है, अभ्यास करना है, तो उत्तर में मुंह रख के करें, लेकिन सोने के लिए उत्तर बिल्कुल निषिद्ध है। अब भागवत जी ने लिख दिया, मैंने देखना शुरू किया जब से ये पढ़ा, तो मैं गांव में भी बहुत जाता हूं, तो कई बार गांव में मैंने ऐसी स्थिति देखी है, किसी का मृत्यु हुई तो मुझे अंतिम संस्कार में जाना पड़ा, तो मैं देखता हूं कि वहां पंडित जी खड़े हो गए अंतिम संस्कार के सूत्र बोलना, तो पहला ही सूत्र वो बोलते हैं संस्कृत में हर गांव में पंडित जी, मृत का शरीर उत्तर में करो, माने सिर उत्तर में करो, पहला ही मंत्र है, पहला ही मंत्र बोलेंगे, मृत व्यक्ति का सिर उत्तर में करो। और हमारे देश में आर्य समाज के एक संस्थापक रहे स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने भारत में जो संस्कार होते हैं ना, जन्म का संस्कार है, गर्भाधान संस्कार है, मृत्यु भी एक संस्कार है, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है संस्कार विधि, उसमें पहला ही सूत्र है मृत्यु के लिए, तो उसमें वो कह रहे हैं कि सबसे पहले मृत व्यक्ति का सिर उत्तर में करो, उसके बाद विधि शुरू करो। अब ये तो हुआ भागवत जी का, दयानंद जी का वगैरह, अब मैं विज्ञान जोड़ रहा हूं इसमें, ये मेरा अपना एक्सप्लेनेशन है, क्यों आज का जो हमारा दिमाग है ना, ये क्यों के बिना मानता नहीं। हां, क्यों क्यों ऐसा करें, कारण उसका बिल्कुल साफ है। आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि आपका जो शरीर है और आपकी जो पृथ्वी है, इन दोनों के बीच में कोई बल काम करता है, पृथ्वी और शरीर के बीच में, इसको हम कहते हैं गुरुत्व आकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये कैसे काम करता है, पृथ्वी के बारे में आप जानते हैं, पृथ्वी का उत्तर, पृथ्वी का दक्षिण, ये दोनों सबसे ज्यादा तीव्र हैं गुरुत्व आकर्षण के लिए। पृथ्वी का उत्तर, पृथ्वी का दक्षिण एक चुंबक की तरह से काम करता है गुरुत्व आकर्षण के लिए। आपका जो शरीर है, इसका ये है उत्तर, सिर जो है ना शरीर का उत्तर है, और पांव दक्षिण है। तो सिर का उत्तर और पृथ्वी का उत्तर, आप अगर पृथ्वी में उत्तर की दिशा में सिर करके सो गए, भागवत जी कहते नहीं सोना, मान लो सो गए, तो आपका सिर का उत्तर और पृथ्वी का उत्तर, उत्तर उत्तर दोनों साथ में आए तो फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करता है, विज्ञान ये कहता है। फोर्स ऑफ रिपल्शन माने प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो आप ऐसे ऐसे समझो इसको कि ये उत्तर है और आपने उत्तर में सिर किया, तो उधर से एक प्रतिकर्षण बल आपके शरीर पर काम करेगा, तो ये प्रतिकर्षण बल जब शरीर पर काम करेगा, धक्का देने वाला बल, तो आपके शरीर में संकुचन आएगा, कॉन्ट्रैक्शन। और शरीर में अगर संकुचन आया तो ब्लड प्रेशर पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर जाएगा, क्योंकि ब्लड को भी प्रेशर आएगा, क्योंकि शरीर को प्रेशर आया ना तो शरीर में खून है, खून को भी प्रेशर आएगा, और अगर खून को प्रेशर है तो नींद आएगी ही नहीं, मन में हमेशा धड़पड़ धड़पड़ चलती रहेगी, हृदय की गति हमेशा तीव्र रहेगी। तो उत्तर की दिशा पृथ्वी की है जो नॉर्थ पोल कहलाती है, हमारे शरीर का उत्तर ये है सिर, अगर ये दोनों एक ही दिशा में हो, फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, शरीर में संकुचन आएगा, नींद आएगी ही नहीं। अब इसका उल्टा कर लो, आपका सिर दक्षिण में कर दो, ठीक है, पृथ्वी का दक्षिण में आपका सिर कर दो, तो आपका सिर तो नॉर्थ हुआ और पृथ्वी का दक्षिण हुआ, साउथ हुआ, तो आपका नॉर्थ माने उत्तर और पृथ्वी का दक्षिण, ये दोनों एक दिशा में है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, एक बल आपको खींचेगा। और अगर आपके शरीर पर खिंचाव पड़ेगा, मान लीजिए आप लेटे हैं
और ये पृथ्वी का दक्षिण है और इधर आपका सिर है, तो आपको खींचेगा अगर कोई तो शरीर थोड़ा सा बड़ा होगा। जैसे रबर खींचती है ना इलास्टिसिटी, ऐसे ही शरीर में थोड़ा सा बढ़ाव आएगा। जैसे ही शरीर थोड़ा सा बढ़ा तो बॉडी में रिलैक्सेशन आ गया। आप अंगड़ाई लेते हैं ना, एकदम शरीर को तान देते हैं, फिर क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शरीर को ताना तो उसके बाद शरीर में थोड़ा बढ़ाव आया, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। तो इसलिए भागवत जी ने कहा कि दक्षिण में सिर करेंगे तो शरीर पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उत्तर में सिर करेंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन है। फोर्स ऑफ रिपल्शन में शरीर पर दबाव पड़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में खिंचाव पड़ता है। खिंचाव और दबाव एक दूसरे के विपरीत हैं। दबाव से शरीर में संकुचन आएगा तो खिंचाव से शरीर में थोड़ा सा फैलाव आएगा। तो फैलाव है तो आप सुखी नींद लेंगे, और उस पर दबाव है तो नींद नहीं है। इसलिए उन्होंने बहुत बेहतरीन विश्लेषण दिया है। ये विश्लेषण मैं मानता हूं जिंदगी के सारे मानसिक रोगों को खत्म करने का अकेला है सूत्र। नींद अच्छी अगर ले रहे हैं आप तो समझ लीजिए दुनिया में बहुत सारी चीजें आपके शरीर से बाहर। भोजन अच्छा है, नींद अच्छी है, और क्या चाहिए? तो आप नींद अच्छी लें, ब्रेन हमेशा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे रहे, इसके लिए दक्षिण में सिर करके सोना बहुत अच्छा, और नहीं तो पूर्व में करना। अब पूर्व क्या है? पूर्व के बारे में पृथ्वी पर रिसर्च करने वाले सब वैज्ञानिकों का कहना है कि पूर्व न्यूट्रल है। पूर्व जो है ना न्यूट्रल है, ना तो वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ज्यादा, ना फोर्स ऑफ रिपल्शन है, और अगर है भी तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। इसलिए पूर्व में सिर करके सोएंगे तो न्यूट्रल आप भी रहेंगे, तो आसानी से नींद आएगी और अच्छी नींद आएगी। पश्चिम का आप पूछेंगे जी, पश्चिम के लिए अभी रिसर्च होना बाकी है। भागवत जी मौन है उस पर, कोई एक्सप्लेनेशन देकर नहीं गए हैं, और आज का साइंस भी लगा हुआ है, कोई रिसर्च अगर आ गई तो मैं जरूर आप तक प्रेषित करूंगा पश्चिम के बारे में। सोने के हिसाब से वैसे तो बहुत रिसर्च हो चुकी है पश्चिम पर, वास्तु वालों ने बहुत काम कर लिया है कि पश्चिम में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन सोने के हिसाब से, स्लीप के हिसाब से जो सूत्र में बात कर रहा हूं, वो रिसर्चेस पश्चिम पर कम हुई हैं। पूर्व पर हो चुकी हैं, दक्षिण पर बहुत हो चुकी हैं, उत्तर पर तो सबसे ज्यादा हो चुकी है। तो ये तीन दिशाओं को ध्यान में रखना है सोते समय, माने पूर्व में सिर करके सोएं तो बहुत अच्छा, नहीं तो दक्षिण में। अब इसके आगे का सूत्र और भी मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। भागवत जी कहते हैं कि किनको पूर्व में सिर करके सोना और किनको दक्षिण में, उन्होंने कैटेगरी बना दी। तो वो कहते हैं जो साधु हैं, जो सन्यासी हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, जो गृहस्थ जीवन नहीं जी रहे हैं, जो दुनिया की मोह माया से दूर हैं, इन सबको पूर्व में ही सिर करना हमेशा। और जो दुनिया चला रहे हैं, घर चला रहे हैं, गृहस्थी चला रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, पत्नी के साथ रह रहे हैं, बच्चों के साथ, उनको दक्षिण में ही सिर करना। अब यहां बिल्कुल क्लियर हो गया, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आप जितने लोग हैं सब अपना परिवार चलाने वाले, घर गृहस्थी चलाने वाले, दुनिया चलाने वाले लोग हैं, तो आप तो आज ही अपने बेड की पोजीशन बदलो, दक्षिण में सबके सिर होने चाहिए बेड के। और मेरे जैसे लोग जो शादी नहीं करते, ब्रह्मचारी हैं वगैरह वगैरह, इनको पूर्व में ही सोना। साधु जी, साध्वी जी जो भी हैं, जिनको अपने जीवन में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, साधु महात्मा संत, इनको पूर्व में ही सोना है सिर रख के। और आप जैसे लोग जिनको घर गृहस्थी चलानी है, दक्षिण। अब यहां कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है, आप अपना याद रखो, मैं मेरा याद रखता। अच्छा, आज के लिए इतने ही सूत्र, अब आप सवाल पूछ सकते हैं। साउथ डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है का आपने? सिर के लिए हाँ। तो शरीर की खिंचाई होती है, तो क्या जिन बच्चों की हाइट कम है उनको कंपलसरी हम साउथ फेसिंग जरूर सुलाइए, ताकि उनकी हाइट बढ़े? जरूर सुलाइए। जिन बच्चों की लंबाई आपको कम लग रही है, आप हमेशा उनका सिर दक्षिण में रख के सुलाइए, थोड़े 3-4 साल के बाद आपको खुद महसूस हो जाएगा हाइट बढ़ने का, लंबाई बढ़ती हुई दिखाई देगी। राजीव भाई, कल आपने बताया था सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए,
लेकिन जैन धर्म में ये बताते हैं कम से कम 48 मिनट बाद में कुछ भी लेना चाहिए। वो बिल्कुल ठीक है, जो जैन दर्शन में 48 मिनट का नियम है ना, सूर्योदय होने के 48 मिनट के बाद, वो बिल्कुल नियम सही है, पक्का है। वो नियम क्या है वो हमें समझने की बात है। वो नियम ऐसा है, जो पानी है ना, पानी बहुत सारी जीव राशियों का संग्रह है। अब ये थोड़ी सूक्ष्म की बात है, मैं जाना नहीं चाहता था लेकिन सवाल पूछ लिया इसलिए कह रहा हूं। पानी जो है सूक्ष्म जीव राशियों का संग्रह है। आप चाहें तो पानी में लेंस लगा के देखें, करोड़ों करोड़ों सूक्ष्म जीव आपको दिखाई देंगे इधर उधर भागते घूमते। अगर देख लें तो दिल्ली नहीं करे पानी पीने के लिए। ये तो सुबह सुबह क्या होता है कि आपका जो मुंह है, ये जो लार है ना, ये मैंने आपसे कहा कि सुबह के समय सबसे ज्यादा तीव्र होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी ज्यादा होती है इस लार की। तो अगर आपने उठते से ही पानी पिया तो उसमें पूरी संभावना है कि ज्यादा जीव राशि की हत्या होगी। इसलिए जैन दर्शन ये कहता है अनावश्यक हिंसा से बचो। हिंसा से बच सके ये आदर्श है, लेकिन अनावश्यक हिंसा से जरूर बचो। अनावश्यक, जरूरी नहीं है तो उसको हिंसा मत करो। तो अनावश्यक हिंसा से बचने के लिए जैन शास्त्रों ने, जैन आचार्यों ने यह कह दिया जी 48 मिनट के बाद पियो। ये 48 मिनट में क्या हो जाता है, 48 मिनट में आपके मुंह की जो लार है ना, इसकी जो क्षारीयता है ये कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, बहुत तेजी से कम होती है। और इसकी क्षारीयता कम हुई, एल्केलिनिटी जिसको आप कहेंगे अंग्रेजी में, तो जीव राशि के मरने की संभावना उतनी कम हो जाती है। तो फालतू हिंसा से बचने के लिए जैन दर्शन ने यह कहा कि नवकारशी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, हाँ, तो ये उसके साथ उन्होंने जोड़ा। वो 48 मिनट का कैलकुलेशन बाघभट्ट जी का भी है। वो ये कहते हैं कि सुबह उठते ही 48 मिनट तक अगर आप इंतजार करते हैं तो मुंह की जो लार है इसकी क्षारीयता कम होना शुरू होती है। तो उठते ही पानी पीने में अगर आप जैन दर्शन पालन करते हैं तो 48 मिनट ध्यान रखो, और अगर आप जैन दर्शन पालन नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए शायद हिंसा अहिंसा का उतना महत्व नहीं है, लेकिन करें तो आपके लिए भी अच्छा है। तो आप बोलेंगे जी 48 मिनट तक क्या करें, बैठे रहे, तो भगवान का नाम ले लो, आप ईश्वर का जाप कर लो, मंत्र का जाप कर लो, कुछ कर लो और फिर पानी पियो, फिर उसके बाद आपकी दिनचर्या शुरू करो। ये बीच का रास्ता मैंने बताया जी। और कोई प्रश्न? हाँ, आपने शहद और घी के विरुद्ध बताए, शहद और घी। हाँ, तो जैसे जन्म होता है तो बच्चे को शहद और घी चटाया जाता है, एक ऐसा संस्कार है, तो वो कैसे? जी, ये जो संस्कार है ना बच्चे को जन्म लेते ही शहद घी चटाने का, इस संस्कार को करते समय जो लोग हैं ना कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखें तो तकलीफ है। आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप ध्यान नहीं रखते तो बहुत तकलीफ है। आयुर्वेद ये कहता है कि शहद और घी बराबर मात्रा एक साथ कभी भी लेंगे तो जहर ही है, लेकिन कुछ भारत में ऐसे समूह हैं जो अपने बच्चों को ये करते हैं, शहद और घी चटाते हैं, लेकिन सभी लोग भारत में ऐसा नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी चटाते, लेकिन जो चटाते हैं उनको मैंने पूछा, ऐसे कुछ समूह हैं भारत में जो चटाते हैं उनको मैंने पूछा, तो वो मुझे एक इंटेलिजेंट उत्तर देते हैं, और वो बाघभट्ट जी का भी सही है। वो ये कहते हैं कि जी हमने शहद और घी साथ में चटाया तब जब उसमें गाय का मूत्र थोड़ा मिलाया था या गाय के गोबर का रस डाला था। अब ये जो गाय का गोबर और गोमूत्र की जैसे ही बात आती है तो तुरंत मेरे ख्याल में आता पंचगव्य बनाते हैं ना, पंचामृत या पंचगव्य, तो उसमें शहद और घी भी होता है लेकिन गोमूत्र के साथ या गोबर के रस के साथ। फिर हम लोगों ने थोड़ा काम किया कि ये गोमूत्र अगर मिला दिया शहद और घी में तो क्या इसकी विषकारकता कम हो गई? तो बाद में एक कल या नहीं तो परसों मैं इस पे विस्तार से आने वाला हूं कि गाय के मूत्र को मिलाते ही शहद और घी एक दूसरे के साथ मिलने को तैयार है, माने उनकी दुश्मनी कम है। माने गाय के मूत्र में एक केमिकल है जिसका नाम है सल्फर। ये सल्फर दुनिया का अकेला केमिकल है जो दो विष के बीच में डालो तो दोनों को न्यूट्रल करता है लेकिन खुद का प्रभाव बढ़ाता है, तो सल्फर बढ़ता है। तो कुछ लोगों को मैंने पूछा जो ये कर रहे हैं, तो वो कहते हैं हम बच्चे को शहद और घी चटाते हैं लेकिन थोड़ा गोमूत्र देकर, माने थोड़ा गोमूत्र एक बूंद या आधा बूंद मिलाकर,
तो शायद उनके लिए वो अनुकूल पड़ता हो। लेकिन आप ये ना करें, ये मेरी विनती है। आप इसको, बच्चे को अगर चटाना है तो खाली घी चटा दें, अगर चटाना है तो खाली शहद चटा दें, शहद और घी मिलाकर ना चटाएं। एक ही कंडीशन है कि जब बच्चे को कोई ऐसा गंभीर रोग ना हो। अगर मान लो कोई बहुत गंभीर रोग है जिसमें विष ही देना है, मान लीजिए कई रोग ऐसे हैं जिसमें विष दवा का काम करता है, ऐसे कई रोग हैं जिसमें विष दवा का काम करता है, उस कंडीशन में जरूर बच्चे को दिया जा सकता है। जैसे एक बहुत खराब रोग होता है, कई बच्चों को होता है, जन्म लेते ही उनके शरीर का जो त्वचा है ना, उनका रंग बदलना शुरू होता है। कई बच्चों को मैंने देखा एकदम तांबई कलर के हो जाते हैं, ये जो कॉपर होता है ना, कॉपर, तांबा, ताम्र, उसी रंग के बच्चे की स्किन होना शुरू हो जाती है। उस बच्चे को जरूर शहद और घी ही चटाना पड़ेगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा, उसके लिए वो काम आएगा। तो अलग अलग परिस्थितियों में, लेकिन सामान्य बच्चे के लिए ये ठीक नहीं है, उपयोगी नहीं। जी श्रीमान जी, आयुर्वेदिक दवाओं के साथ जो डॉक्टर की दवाएं अभी चल रही है तो उसको ले सकते हैं? बिल्कुल मत लीजिए। दवा जो है ना, आप भरोसे से आयुर्वेद की लीजिए तो उससे ही आपको बहुत बड़े परिणाम मिल जाएंगे। एलोपैथी की दवाएं साथ में खाएंगे तो कोई अच्छे परिणाम तो नहीं, बुरे परिणाम जरूर आ जाएंगे। अर्जुन की छाल का जो पाउडर आप जी के साथ लेना कह रहे हैं, जब हम लेते हैं तो उसको पथरी के जैसे जमने की शंका रहती है या डाउट रहता है? अर्जुन की छाल से पथरी होने की शंका ना के बराबर है। पथरी होने की शंका एक ही चीज में है कि अगर आप चूना ज्यादा खाएं तो। अर्जुन की छाल से आज तक मैंने नहीं सुना किसी को पथरी हुई है, क्योंकि अर्जुन की छाल में जो कैल्शियम है वो बहुत ही कम है, और जो है वो बहुत आसानी से घुलनशील है, वो आसानी से डाइजेस्ट होता है। पथरी होने की संभावना तभी है जब आप ज्यादा चूना खाएं। जी, पेशाब करने के पश्चात पानी पीना ठीक है या पहले पानी पीना? कल तक इंतजार कर लीजिए इस नियम के लिए, ये कल आने ही वाला है। आप पूछिए जी। क्या जी? काढ़ा। काढ़ा शाम को भी पी सकते हैं लेकिन सुबह सबसे अच्छा। शाम को चाहे तो पी सकते हैं लेकिन सुबह सबसे अच्छा। शाम को पियेंगे तो नुकसान तो कुछ नहीं है लेकिन फायदा भी बहुत नहीं आएगा। फायदा सबसे ज्यादा काढ़े का लेना है तो सुबह का ही। जी जी जी, इनको चाय पीने की आदत है सुबह उठते ही, बहुत लोगों को होगी, इसका नुकसान बताएं। देखिए मैं एक ही मिनट में आपको बताना चाहता हूं कि चाय जो आप बनाते हैं उसमें चाय से ज्यादा नुकसान है चीनी। ये जो शुगर है ना, चीनी, इसका चाय के साथ कोई मेल नहीं है। अगर आप चाय पी रहे हैं, मैं से तो मत पिए क्योंकि आपकी तासीर के अनुकूल नहीं है। चाय के जो केमिकल है ना, भारत के लिए उपयोगी नहीं है, भारत में रहने वाले लोगों के लिए, यूरोप और अमेरिका के लिए बहुत अच्छी है यही चाय, हमारे लिए वो जहर है। कॉफी तो और भी ज्यादा, गर्म देशों में चाय कॉफी अच्छी नहीं है। फिर भी अगर आप पी रहे हैं, आप मानते हैं कि खराब है लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर है, तो मैं एक तरीका बता देता हूं। वो तरीका ये है कि चीनी की जगह गुड़ की चाय पी लीजिए। क्यों पी लीजिए वो समझिए। गुड़ जो है ना क्षारीय है और चीनी है ना अम्लीय है। चीनी जब डिसइंटीग्रेट होती है तो उसके जो अंतिम परिणाम है वो एक एसिड के रूप में ही है, और गुड़ जब डिसइंटीग्रेट होता है तो उसका अंतिम परिणाम है वो क्षार के रूप में है। आपके पेट में अम्ल वैसे ही बहुत है और सुबह सुबह तो ज्यादा ही होता है, और उस समय अम्ल वाली चाय और पिए जो चीनी मिलाई हुई है तो ये एसिडिटी ही बढ़ाएगी आपकी। तो बेहतर है कि आप चाय पिए तो गुड़ वाली पिए। अब गुड़ वाली चाय जब पिएंगे तो दूध नहीं डाल सकते उसमें, क्योंकि दूध फट जाएगा गुड़ से, क्योंकि दूध और गुड़ की दोस्ती नहीं है। तो फिर बिना दूध की चाय पिए। तो आप काली चाय पिए, गुड़ डाल के पिए। और मेरी छोटी सी एक बात अगर मान लें कि अगर काली चाय गुड़ डालकर आप पी रहे हैं तो थोड़ा सा नींबू का रस डालें तो न्यूट्रलाइज होगी है। नींबू का रस एसिडिक है, गुड़ जो है ना क्षारीय है, तो गुड़ मिलाई हुई चाय को अगर न्यूट्रल करना है तो थोड़ा नींबू डालकर नींबू की चाय पिए, ठीक है, ऐसा कर। लेकिन इसको पीने से पहले पानी जरूर पिए, वो नियम ना भूलें। जी,
हाँ, इसलिए मैंने बोला कि गुड़ में जो है ना क्षार है और नींबू जो है एसिडिक है, तो क्षार अम्ल मिले तो न्यूट्रल होगा, तो न्यूट्रल चाय हो जाएगी जब आप पियेंगे। मैं नहीं चाहता कि क्षारीय तत्व भी ज्यादा जाए आपके पेट में, क्योंकि क्षार भी नुकसान करता है। तो गुड़ डाल दिया तो क्षारपन आया चाय में, तो थोड़ा 2-3 बूंद नींबू के रस की डालिए तो फिर न्यूट्रल हो जाएगा, वो आप पिए तो जीवन भर आप बिना किसी दुख और तकलीफ के पी सकेंगे उसको। और अगर आपको बन पाए तो हरे पत्ते की चाय ही पिए। ये जो चाय आती है ना बाजार में टी डस्ट, ये आप में से किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। आपको अगर पत्ते वाली, हरे पत्ते वाली चाय मिल रही है तो वो कम से कम इतना जरूर फायदा है कि वो एंटीऑक्सीडेंटल प्रॉपर्टी वाली है, क्योंकि हरे पत्ते को सीधे निकाल कर सुखा कर आप बना रहे हैं, तो वो इससे बेहतर है जो चूरे वाली चाय आप पी रहे हैं, थोड़ी बेहतर है जी। कई देशों में हमने देखा है कि भोजन लेते समय वज्रासन में बैठ के भोजन लेते हैं, तो ईस्टर्न कंट्रीज में करते हैं, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, थोड़ा सा मंगोलिया में जाएं तो वहां भी करते हैं। वज्रासन में बैठकर वो लोग भोजन कर सकते हैं, आपके लिए उतना अनुकूल नहीं है, क्योंकि आपको भोजन के बाद वज्रासन करना अनुकूल है। भोजन करते समय आपके लिए सुखासन या उकड़ू बैठकर आसन, वही अनुकूल है। अब ये क्यों है, एक दिन रुक जाइए, परसों मैं एक्सप्लेन करने ही वाला हूं। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि यहां के लोग भोजन लेने के बाद शहद लेना वाजिब समझते हैं, इसलिए क्योंकि डाइजेशन में हेल्प करता है। लीजिए ना, मैंने मना नहीं किया, लेकिन जैन दर्शन का पालन अगर आप कर रहे हैं तो मत लीजिए, और अगर आप जैन दर्शन में पालन नहीं कर रहे हैं अपने जीवन को, तो आप शहद लेने के लिए स्वतंत्र हैं। जैन दर्शन में है तो मैं स्ट्रिक्टली बोलूंगा ना करें, क्योंकि उसमें हिंसा और अहिंसा की बात आएगी। शहद जो है ना जीव राशियों का समूह है, और बड़ी मक्खी के शहद में ज्यादा जीव राशियां। पानी कितना लेना चाहिए ये सबके लिए अलग अलग है, तो इसका सूत्र बता देता हूं। हर व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए, आप अपना वजन करिए वजन, अगर 60 किलो वजन है तो 10 से भाग दीजिए इसमें तो 6 आएगा, और 2 घटा दीजिए तो आप 24 घंटे में 4 लीटर पानी पी सकते हैं। अगर 70 किलो वजन है तो 10 से भाग दीजिए, 7 आएगा, 2 घटा दीजिए तो 5 लीटर पूरे 24 घंटे में पानी पी सकते हैं। किसी का वजन 40 किलो है, 10 से भाग दीजिए, 4 आएगा, 2 घटा दीजिए, 2 लीटर पानी पूरे दिन में पी सकते। हर व्यक्ति अपने वजन के हिसाब से पानी तय कर ले, जितना वजन 10 का भाग और 2 घटाना।